हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी एट द लीगल। हम लोग अपना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS का जो चैप्टर 3 है, आज इसको पढ़ने जा रहे हैं। ये बात करता है पावर ऑफ कोर्ट के, ठीक है, कि कोर्ट के पास, जजेस के पास, मैजिस्ट्रेट के पास कितनी पावर है, वो अपना कितना सेंटेंस प्रोवाइड कर सकता है, इससे डील करता है। इससे पहले हम लोग ने पहले चैप्टर दूसरी चैप्टर को कवर कर चुका है, तो अगर आप वीडियो पे नए हैं तो पहले एक बार उसको देख लीजिए तो ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये सेक्शन 21 से लेकर 29 तक में दिए गए हैं। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्शन 21 से लेकर 29 तक। एक्ट नंबर 46 ऑफ 2023 भी हम अपने BNSS को कहते हैं। इसका एसेंट डेट कितना था, 25 दिसंबर 2023, और 1 जुलाई 2024 से ये इन्फोर्स हो गया। तो चलिए समय स्टार्ट करते हैं हम लोग समय रहते हुए अपने सेक्शन 21 को। 21 क्या कहता है, 21 बोलता है कि ट्रायल कोर्ट कौन कौन से होंगे। 21 क्या कह रहा है कि ट्रायल कोर्ट कौन कौन से हैं, कोर्ट बाय विच ऑफेंस आर ट्राइबल। इससे पहले एक रिमाइंडर आपके मन में आ जाना चाहिए कि सेक्शन 6 जो है हमारा BNSS का, वो बात करता है क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट के बारे में, कि क्रिमिनल कोर्ट कौन कौन से होंगे। तो बोलता था उसमें सेक्शन 6 में कि बिसाइड्स एवरी हाई कोर्ट, एक स्टेट में कोर्ट ऑफ सेशन होंगे, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होंगे, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास होंगे और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट होंगे। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम लोग ट्रायल कोर्ट के बारे में बात करें कि ऑफेंसेस अपराध कहाँ ट्रायल होंगे उसके, तो बोलता है हाई कोर्ट में हो सकता है, कोर्ट ऑफ सेशन में हो सकता है, और एनी अदर कोर्ट मेंशनड इन फर्स्ट शेड्यूल, और एनी अदर कोर्ट मेंशनड इन फर्स्ट शेड्यूल, कि ऐसे कोर्ट जो कि फर्स्ट शेड्यूल ऑफ CRPC, हम लोग जानते हैं कि CRPC में कितने शेड्यूल है, 2 शेड्यूल है, तो फर्स्ट शेड्यूल में अगर अदर कोर्ट मेंशनड है तो वो उसके द्वारा ट्रायल किए जाएंगे। देखो, बहुत सारे क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि हाई कोर्ट के द्वारा क्या ट्रायल हो सकता है, कभी आप देखें ट्रायल होते हुए हाई कोर्ट में, तो देखो हाई कोर्ट के में ना अपने ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में कभी भी क्रिमिनल ऑफेंस का ट्रायल नहीं होता है। हाई कोर्ट का जो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन होता है, उसमें कभी भी क्रिमिनल कोर्ट का ट्रायल, ऑफेंस का ट्रायल नहीं होता है, लेकिन हाई कोर्ट में होता है। अब किस तरह से होता है, ये भी एक सवाल है कि किस तरह से होगा, तो इसके लिए तुम लोग रीड विथ सेक्शन 520। अब आज देखो भाई, ऐसा है कि आज अगर क्लास वीडियो देख रहे हो तो हाथ में बेयर एक्ट लेके रखना, हम बहुत ज़्यादा का रेफरेंस करेंगे। तो हाई कोर्ट के लिए हम लोग सेक्शन 520 निकालो भाई। 520 में देखो दिया हुआ है ट्रायल बिफोर हाई कोर्ट, कि हाई कोर्ट के बिफोर कैसे होगा, तो ये बोलता है कि सेम एज वेल एज जो कोर्ट ऑफ सेशन में जिस तरह होता है वैसा ही हाई कोर्ट में होगा, ठीक है। ये 520 तो अपने बेयर एक्ट में हाई कोर्ट के जगह बगल में लिख लो रीड विथ 520, ठीक है, सेक्शन 520 ऑफ BNSS। अब यहां तक हम लोग समझ गए कि ट्रायल किसके किसके द्वारा होगा, हाई कोर्ट के द्वारा होगा, कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा होगा, और एनी अदर कोर्ट मेंशनड इन फर्स्ट शेड्यूल। अब इसका कुछ प्रोवाइजो है, प्रोवाइजो क्या कहता है, देखो इसका प्रोवाइजो CRPC में ऐड किया गया था 2009 में, तो आप बगल में उसके अपने बेयर एक्ट के, नए वाले बेयर एक्ट के बगल में लिख लो कि एडेड इन 2009, ठीक है। ये क्या कहता है कि अगर कोई भी अपराध महिला से जुड़ा हुआ हो, कैसा, रेप का अपराध हो, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, ये किसके हैं, ये है तुम्हारा भाई भारतीय न्याय संहिता यानी IPC का। पहले ये क्या था 376 जो रेप से जुड़ा हुआ मामला था, अब हो गया है वो 64 से, ठीक है। तो बोलता है कि अगर कोई भी अपराध जो कि महिला से जुड़ा हुआ हो, रेप के है, गैंग रेप है, ठीक है, जो कि BNS में यानी नए पुराने वाले IPC भारतीय न्याय संहिता में दिया हुआ है, तो उसका जो प्रिसाइडिंग जज होगी वो महिला होगी, ठीक है। रेप से जुड़े हुए मामले का जो ट्रायल होगा, जनरली ये कहा जाता है प्रोवाइजो में, यही कहा गया कि उसकी जो प्रिसाइडिंग जज होगी वो महिला होगी, और इसको कब ऐड किया गया था, 2009 के अमेंडमेंट में, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसके सेकेंड प्रोविजन। ये कहता है कि भाई देखो, ये क्या कह रहा है कि व्हेन कोर्ट इज मेंशनड, क्या बोल रहा है कि व्हेन कोर्ट इज मेंशनड दैट दिस केस विल बी ट्राइड बाय दिस कोर्ट, क्या बोल रहा है कि भाई अगर कोई कोर्ट मेंशन है, राइट, कि ये ऑफेंस है, ये तरह का अपराध है, इस कोर्ट के द्वारा ट्रायल किए जाएंगे, तब तो ठीक है। अगर मेंशन नहीं है कि ये अपराध किसके द्वारा ट्रायल किए जाएंगे, ट्राइड होगा,
तो जनरली हाई कोर्ट या एनी अदर कोर्ट मेंशन्ड इन फर्स्ट शेड्यूल इसके द्वारा ट्राई किया जाएगा। ये क्या कहना है, इसका क्या कहना है समझे, कि अगर भाई मेंशन है कि ये अपराध, इस तरह की अपराध जो भी घटित होगी ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या इसके द्वारा ट्राई किया जाएंगे, तो उसके द्वारा ट्राई होगा। अगर स्पेसिफिकली नहीं मेंशन है कि कहां इसका ट्रायल होगा, तो किसके द्वारा ट्रायल होगा, या तो हाई कोर्ट करेगा या एनी अदर कोर्ट मेंशन्ड इन द फर्स्ट शेड्यूल। ये समझ में आ गया, चल आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग सेक्शन 22 से पहले हम लोग देखो भाई, पहले एक ना सीआरपीसी में सेक्शन था 27, ठीक है, वो क्या बात करता था, जुरिडिक्शन ऑफ इन द केस ऑफ जुबिनाइल, ठीक है, जुबिनाइल के केस में जुरिडिक्शन के बारे में बात करता था। लेकिन अभी ये वाला प्रोविजन जो सेक्शन है वो हट गया है, अब डायरेक्ट हम लोग सेक्शन 22 में आते हैं। सेक्शन 22 क्या बोलता है कि सेंटेंस विच हाई कोर्ट एंड सेशन जज मे पास, कि हाई कोर्ट और सेशन जज कौन कौन से सेंटेंस पास कर सकता है, ठीक है। इसके लिए पहला है, इसका क्या कहता है कि हाई कोर्ट में पास एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ, कि हाई कोर्ट के पास इतना पावर है कि वो किसी भी तरह का सेंटेंस पास कर सकता है जो कि ऑथराइज्ड है लॉ में। अब ऑथराइज्ड बाय लॉ मतलब कितना पनिशमेंट है, पता है कि कितने तरह के पनिशमेंट है, इसके लिए तुम लोग निकालो सेक्शन फोर ऑफ BNS, भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 4 में दिया गया है कि पनिशमेंट कितनी तरह का है। तो पहले 5 थे, अभी 6 हो गए हैं। अब देखो पनिशमेंट कितनी तरह का है, तो डेथ सेंटेंस, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ यानी मृत्युदंड, आजीवन कारावास या इम्प्रिजमेंट, रिग्रेस इम्प्रिजमेंट विथ हार्ड लेबर या सिंपल इम्प्रिजमेंट, फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, फाइन या कम्युनिटी सर्विस। ये न्यूली एडेड है, ठीक है, कम्युनिटी सर्विस। पहले 5 थे, अभी 6 हो गए हैं। तो एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ का मतलब यही हुआ कि हाई कोर्ट जो है एनी सेंटेंस जो भी लॉ के द्वारा ऑथराइज्ड है वो कोई भी दे सकता है, यानी फांसी का सजा सुना सकता है, लाइफ इंप्रिजमेंट सुना सकता है, फाइन लगा सकता है, रिग्रेस इंप्रिजमेंट कर सकता है, फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी करवा सकता है। दैट हाई कोर्ट हैज अ पावर टू ऑथराइज एनी सेंटेंस विच इज प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ। अब बात करते हैं सेशन जज और एडिशनल सेशन जज के, कि ये लोग कितना सेंटेंस प्रोवाइड कर सकते हैं या दे सकते हैं। तो कहता है सेशन जज और एडिशनल सेशन जज मे पास एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ, ये भी जो है एनी सेंटेंस प्रोवाइड कर सकते हैं जो कि ऑथराइज्ड बाय लॉ है। लेकिन अगर किसी को मृत्यु दंड दे रहे हैं, डेथ सेंटेंस दे रहे हैं, तो उसके लिए इसको कंफर्मेशन के लिए भेजना होगा हाई कोर्ट के लिए, सब्जेक्ट टू द कंफर्मेशन ऑफ हाई कोर्ट इन द केस ऑफ विच डेथ सेंटेंस अगर किसी को हम लोग दे रहे हैं, तो हाई कोर्ट से हम लोग को कंफर्मेशन, सॉरी सेशन जज को और एडिशनल सेशन जज को कंफर्मेशन लेना होगा। अब देखो यहाँ पे नोट करने का बात यह है कि आज हम बोले थे कि बेयरक को पूरा खंगाला है हमने, और इसमें क्या है कि रीड विथ, आप लोग बेयर एक्ट के बगल में लिखते जाओ, कंफर्मेशन के लिए जो है सेशन जज एडिशनल सेशन जज अंडर सेक्शन 407 ऑफ भारतीय न्याय संहिता भेजता है कंफर्मेशन ऑफ सेंटेंस के लिए। और वैसे कंफर्मेशन हमेशा 2 जजेस के द्वारा किए जाएंगे, 410 ऑफ BNSS में इसका प्रोविजन दिया है कि कंफर्मेशन के लिए कब भेजेंगे, तो 407 के तहत, और कंफर्मेशन कितने जज करेंगे, तो 2 जजेज के बेंच यानी डिवीजन बेंच के जजेज के द्वारा 410 में किए जाएंगे। अरे डिवीजन बेंच से याद आया, जब 2 जजेज हाईकोर्ट में बैठते हैं तो बहुत लोग बोलते हैं कि डबल बेंच लगा हुआ है, डबल बेंच, तो ऐसा नहीं है, कभी भी भूल मत करना, उसको डिवीजन बेंच कहते हैं, ठीक है। चलो अब हम लोग आते हैं सेक्शन 23 में। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है, हम लोग ने देख लिया कि हाईकोर्ट और सेशन जज एडिशनल सेशन जज कितने सेंटेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि मैजिस्ट्रेट भाई के साहब के पास कितना पावर है, जो हम लोग बनना चाहते हैं, ठीक है, मैजिस्ट्रेट साहब के पास कितना पावर है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि मैजिस्ट्रेट साहब कितने पावर सेंटेंसिंग और पावर इम्पोज कर सकते हैं किसी ऑफेंडर के प्रति। तो कहते हैं CJM साहब, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट साहब है, वो एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ, कोई भी सेंटेंस जो भी ऑथराइज्ड बाय लॉ है उसको पास कर सकते हैं, एक्सेप्ट यहाँ क्या क्या है कि डेथ पनिशमेंट ये नहीं दे सकते हैं,
आजीवन कारावास लाइफ इंप्रिजमेंट और टर्म एक्सीडिंग 7 ईयर्स यानी 7 साल से अधिक का सजा नहीं दे सकते हैं। तो साफ साफ इसको यही लिखना चाहिए था कि भैया 7 साल से अधिक का सजा सीजेएम साहब नहीं दे सकते हैं। तो ऐसा लिख के कंफ्यूज क्यों किया, एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ एक्सेप्ट डेथ सेंटेंस दे ही नहीं सकते, लाइफ इंप्रिजमेंट दे ही नहीं सकते, और ऐसे अपराध जो कि 7 साल से अधिक है वो भी नहीं दे सकते हैं। तो सीजेएम साहब का जो पावर कितना है, 7 साल तक के सजा देने का पावर है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ये कितना सजा दे सकते हैं, तो भाई बोलता है कि 3 ईयर्स 3 साल तक का सजा दे सकते हैं और फाइन जो है 50,000 तक का, अप टू 50,000 लगा सकते हैं। पहले जो हमारा सीआरपीसी था, ठीक है, सीआरपीसी में ये फाइन था तुम्हारा 10K 10,000 रुपया तक का, लेकिन अब इसको बढ़ा दिया गया है, 50,000 रुपया कर दिया गया है। सीजीएम साहब चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास साहब जो है वो 3 साल तक की सजा और 50,000 रुपया तक का फाइन और कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस अब क्या है ये नया, इसका देखो एक्सप्लेनेशन में इसको दिया गया है, एक्सप्लेनेशन तुम लोग देख लेना। ऐसे हम बता देते हैं कम्युनिटी सर्विस क्या है। कम्युनिटी सर्विस क्या हुआ कि भाई कोई ऐसा अपराध का सजा, कोई ऐसा पनिशमेंट जो कि उसको सुनाया जाएगा जिस समाज का, कम्युनिटी एट लार्ज का कुछ भलाई हो, उससे बेनिफिट पहुंचे उसको, और उसके लिए उसको किसी भी प्रकार का रेम्यूनरेशन उसको पेमेंट नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जांपल कोई ऑफेंडर है, वो पेड़ काटा था, तो उसको सजा मिला कि तुमको भाई जो है गांधी मैदान के चारों साइड तुमको 50,000 पेड़ लगाने हैं। तो इस 50,000 पेड़ का लाभ जो है, बेनिफिट है, कम्युनिटी एट लार्ज को पहुँचेगा, और इस पेड़ लगाने के लिए उसको किसी भी प्रकार का पैसा नहीं मिलेगा, रेम्यूनरेशन नहीं दिया जाएगा। तो ये कम्युनिटी सर्विस, ये एक तरह का पनिशमेंट सर्विस है पनिशमेंट के फॉर्म में। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, ये कितना सजा सुना सकते हैं, 1 साल तक का सजा सुना सकते हैं, अप टू 1 ईयर्स, और 10,000 रुपये का फाइन लगा सकते हैं, और कम्युनिटी सर्विस। पहले ये कितना था भाई, कोई हमको कमेंट बॉक्स में बताएगा कि पहले जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास फाइन कितना का लगा सकते थे, कमेंट में जरूर बताइएगा। अब लेकिन 10,000 रुपया हो गया। तो ऐसा है कि यहाँ पे फाइन का मेंशन है, लेकिन हम लोग जो ऊपर पढ़े चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या एडिशनल सेशन जज हाई कोर्ट के पास, इन लोग को फाइन देने का कितना पावर है, तो ये लोग को फाइन देने का अनलिमिटेड फाइन लगा सकता है भाई, ठीक है, अनलिमिटेड फाइन लगा सकता है। इन लोग पे कोई बाउंडेशन नहीं है कि इतना ही तक आप फाइन लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ये 50,000 तक का ही फाइन लगा सकता है, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास जो है, जेएम सेकंड क्लास साहब जो है, वो 10,000 तक का फाइन लगा सकते हैं। तो एक बार फिर से इसको जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं स्पीड में। हाई कोर्ट कोई भी सेंटेंस दे सकता है जो भी ऑथराइज्ड बाय लॉ है, सेशन जज और एडिशनल सेशन जज ये भी एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ, बट इन द केस ऑफ दिस सेंटेंस सब्जेक्ट टू द कंफर्मेशन ऑफ हाई कोर्ट। वेरी गुड, क्लियर है। सीजीएम साहब कितने दे सकते हैं, तो भाई 7 साल से अधिक का सजा नहीं दे सकते हैं, लाइफ इंप्रिजमेंट नहीं दे सकते हैं, और डेथ सेंटेंस नहीं दे सकते हैं। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ये 3 साल तक का सजा और 50,000 रुपये तक का फाइन दे सकता है, और कम्युनिटी सर्विस। जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास ये 1 साल तक का सजा और 10,000 रुपये तक का फाइन और कम्युनिटी सर्विस और बोथ ये दे सकता है। यहाँ तक क्लियर है, चलो वेरी गुड। अब हम लोग बात करते हैं, चलो एक कंसेप्ट है इसको क्लियर कर देते हैं, देखो बहुत मजा आएगा इसको समझो। ये सेशन जज या एडिशनल सेशन जज है ना, किसी को डेथ सेंटेंस प्रोनाउंस किया, फॉर एग्जांपल कोई बंदा है उसको बोला कि भाई तुमको तो फांसी की सजा दी जाती है, तो वो बोला कि भाई आपके पास तो पावर ही नहीं है, आपको तो हाईकोर्ट के लिए कन्फर्मेशन करना होगा। तो हाईकोर्ट से कैसे कन्फर्म होगा इसके बारे में हम अब बताते हैं। अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है अपना पावर को, सेशन जज अपना पावर को एक्सरसाइज करते हुए किसी को डेथ सेंटेंस देते हैं, तो उसका कन्फर्मेशन के लिए सेक्शन 407 ऑफ बीएनएसएस के थ्रू जाएगा। सेक्शन 407 क्या बोलता है कि सेंटेंस ऑफ डेथ टू बी सबमिटेड बाय कोर्ट ऑफ सेशन फॉर कन्फर्मेशन। अब कन्फर्मेशन के लिए गया, ठीक है, अब कन्फर्मेशन के लिए गया तो क्या हाईकोर्ट के पास पावर है, या तो सेंटेंस कंफर्म करेगा या डिनाई कर देगा, बोलेगा नहीं नहीं ये नहीं दे सकते तुम, हटाओ इसको, उसको फांसी का सजा नहीं देना है, या तो कंफर्म कर लेगा
ये कहां करेगा? सेक्शन 409 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, या तो कंफर्म करेगा या डिनाइल करेगा। पावर ऑफ हाईकोर्ट टू कंफर्म सेंटेंसेस, अगर हाईकोर्ट पावर कंफर्म कर लेता है, ठीक है, तो कंफर्म किसके द्वारा होगा? तो सेक्शन 410 में बताया कि कंफर्मेशन साइंड बाय टू जजेस, यानी दो जजेस का सिग्नेचर होना चाहिए कंफर्मेशन में। ऐसा नहीं है कि एक सिंगल जज आया और वो कंफर्म वनफर्म कर दिया, ऐसा नहीं है। दो जजेस का मिनिमम जो है, दो जजेस का कंफर्मेशन होना चाहिए। अब देखो, अब कंफर्मेशन हो गया, तब फिर क्या होगा? तब फिर सेक्शन 453 ऑफ व्हाट, BNSS, इसके तहत जो है वो एग्जीक्यूशन जो है का पावर है वो फिर कोर्ट ऑफ सेशन के पास आ जाएगा। ठीक है, अब कोर्ट ऑफ सेशन क्या करेगा? तो अपना जो है शेड्यूल निकालो BNSS का, भारतीय न्याय संहिता का, उसका शेड्यूल का, सेकंड शेड्यूल का फॉर्म नंबर 43 निकालो। फॉर्म नंबर 43 में दिया हुआ है वारंट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ए सेंटेंस ऑफ डेथ। इसी को हम लोग डेथ वारंट या ब्लैक वारंट कहते हैं, जो कि कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा फिर कंफर्मेशन के बाद निकाला जाएगा, डेथ वारंट या ब्लैक वारंट कहते हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर था कि सेशन जज भाई या एडिशनल सेशन जज किसी को, ऑफेंडर को सजा सुनाए डेथ सेंटेंस, उसका कंफर्मेशन 407 से होगा। 409 में हाईकोर्ट के पास पावर है कि वो कंफर्म करेगा या रिजेक्ट करेगा। अगर कंफर्म करता है तो दो जजेस साइन करेंगे, और साइन करने के बाद फिर 453 में एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर पास्ड अंडर सेक्शन 409, ठीक है, उसके द्वारा कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा होगा इसका एग्जीक्यूशन। और एग्जीक्यूशन कैसे होगा? तो भाई वो सेकंड शेड्यूल में फॉर्म नंबर 43 निकालेगा, और उसको क्या कहते हैं? डेथ वारंट या ब्लैक वारंट। क्लियर? अब हम लोग आते हैं सेक्शन 24 में। सेक्शन 24 क्या कहता है? सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन, कि अगर किसी व्यक्ति को कोई सजा दी गई थी और उसमें फाइन था, और अगर वो फाइन नहीं पे करता है, ठीक है, तो उसकी कितनी सजा होगी? ठीक है, कितनी सजा होगी? अगर फाइन है भाई, फाइन नहीं दिया तो कितनी सजा होगी? क्या कहता है इसमें? देखो, इसमें रीड विद सेक्शन 8 ऑफ BNS, भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 8 को के साथ इसको रीड करना है। अपने बेयर एक्ट में लिख लो रीड विद सेक्शन 8 ऑफ BNS, ठीक है। अब क्या कहता है? कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट, जो कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट है, इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन किसी की इम्प्रिजमेंट बढ़ा सकता है, एडिशनल इम्प्रिजमेंट उसको कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैजिस्ट्रेट बोला कि भाई फाइन नहीं दे रहा, ठीक है, तुम एडिशनल इम्प्रिजमेंट अब सहो। अब कैसे सहना है इसको हम क्लियर करते हैं। इसके लिए प्रोविजो दिया हुआ है कि कितना इम्प्रिजमेंट। तो पहला बोला है कि नॉट एक्सेस द पावर ऑफ मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 23। हम लोग जो 23 में अभी पढ़े कि मैजिस्ट्रेट के पास कितना पावर है, CJM साहब के पास 7 साल तक का पावर है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के पास 3 साल तक का है, JM के पास 1 साल तक का है, तो उसके पावर के बियॉन्ड जाके जो है वो नहीं हो सकता है इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन में। दूसरा क्या कहता है? इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन, पेमेंट ऑफ फाइन 1/4 विल बी एडेड टू द मैक्सिमम पनिशमेंट, जो भी मैक्सिमम पनिशमेंट होगा उसका 1/4 एड हो जाएगा उसके एडिशनल पनिशमेंट में, अगर वो फाइन नहीं देता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से समझो इसको, क्लियर हो जाएगा, एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होता है भाई। तो एग्जाम्पल ये है, राइट, कि अगर कोई व्यक्ति कोई क्राइम करता है जिसका मैक्सिमम सजा है 7 साल, ठीक है, एंड द मैजिस्ट्रेट जो है, मैजिस्ट्रेट कौन सजा देख रहा है? CJM साहब देख रहे होंगे, 7 साल तक का हम लोग जानते हैं, 7 साल तक का सजा वही दे सकते हैं। तो CJM साहब उसको 5 साल तक का सजा और 5,000 रुपये का फाइन लगाते हैं, ठीक है, और वो फाइन नहीं देता है, फाइन देने में असमर्थ है, वो देने का सक्षम नहीं है, वो नहीं देता है। तो मैजिस्ट्रेट साहब क्या बोलते हैं? CJM साहब बोलते हैं कि भाई देखो, ऐसा है कि तुम फाइन नहीं दिए, तो अब एडिशनल इम्प्रिजमेंट इसके बदले सहो। तो मैजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे? 1/4 ऑफ द पनिशमेंट विल बी एडेड टू द मैक्सिमम पनिशमेंट एंड नॉट द पनिशमेंट विच इज गिवन बाय द मैजिस्ट्रेट, यानी 1/4 मैक्सिमम पनिशमेंट, यानी जो मैक्सिमम पनिशमेंट कितना का था? 7 साल, और मैजिस्ट्रेट साहब कितना सुनाए थे? 5 साल। तो मैक्सिमम पनिशमेंट का 7 ईयर्स का 1/4 होगा, ना कि 5 ईयर्स का 1/4 होगा। ये कंसेप्ट बहुत थोड़ा टेक्निकलिटी है, इसको क्लियर अच्छे से समझो कि जो मैक्सिमम उस सेंटेंसिंग पावर था उसका 1/4 होगा, ना कि
पनिशमेंट जो मैजिस्ट्रेट साहब उसको दिए हैं उसका 1/4, ये क्लियर है। सेक्शन 24 के सब क्लॉज 2 में क्या कहता है कि अगर एडिशनल सेंटेंस है वो भाई एक्सेस कर सकता है, ओवर एंड एवव हो सकता है अंडर द सेंटेंसिंग पावर ऑफ 23, यानी मैजिस्ट्रेट का जो सेक्शन 23 में लिमिटेशन बाउंड किया गया है कि आप इतना ही साल तक का सजा, इतना ही फाइन दे सकते हैं, इसको हम लोग एक्सीड कर सकते हैं। इसके लिए क्या है प्रोविजन, इसको एग्जांपल से समझो कि कैसे एक्सीड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति जो है थेफ्ट कमिट करता है, सेक्शन 303 ऑफ बीएनएस में, भारतीय न्याय संहिता नए वाले आईपीसी में वो चोरी करता है, तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो सेकेंड क्लास है या सॉरी फर्स्ट क्लास उसको 3 साल तक की सजा और फाइन दोनों लगा सकते हैं। मतलब कि जो थेफ्ट का पनिशमेंट है वो कितना है, 3 साल तक का सजा और फाइन है। अब क्या होता है कि मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास साहब के पास ये आता है और मजिस्ट्रेट साहब जो है फर्स्ट क्लास साहब उसको 3 साल तक का सजा और 45,000 रुपये का फाइन लगा देते हैं। हम लोग जान रहे हैं कि उनका जो है 50,000 तक का फाइन लगा सकते हैं वो, ये 45,000 रुपये का फाइन और 3 साल का पनिशमेंट इसको इम्प्रिजमेंट दे देते हैं। अब क्या होता है, चोर जो है वो बोलता है देखिए हुजूर, जो अगर हमको 45,000 रुपये रहता मेरे पास तो हम चोरी थोड़ी करते, जो हम पैसा नहीं दे सकते हैं। वो जो ऑफेंडर है वो ऐसा बोल दिया, ठीक है, पर्सन फेल्स टू पे 45,000 रुपया। मैजिस्ट्रेट साहब बोले हाँ ठीक ही बात बोल रहे हो, जब चोरी किए हो तो पैसा नहीं होगा, तभी चोरी की हो, तो एक काम करो, पैसा अगर नहीं दे सकते हो तो एडिशनल इम्प्रिजमेंट सहो भाई, ठीक है। तो इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन मैजिस्ट्रेट साहब क्या करते हैं कि 3 साल का 1/4 कितना होता है, 9 महीना, कैसे निकाले भाई इसको, 3 साल कितना हुआ, 12 24 भारतीय 36 × 1/4 ये कितना हुआ, तो 9 मंथ, यानी मैक्सिमम 9 मंथ का पनिशमेंट जो है एडिशनल इंप्रिजमेंट वो मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है उस चोर को, उस ऑफेंडर को दे सकते हैं। और ये पावर जो है ये हम लोग को कहां से मिला है, तो सेक्शन 24 का सब क्लॉज 2 जो है हमको बोलता है कि भाई एडिशनल इंप्रिजमेंट दे सकते हैं ओवर एंड अबव द सेंटेंसिंग पावर जो भी है, ठीक है। अब देखो ये तो था कि जहां पे सजा भी मिल गया है, यानी 3 साल का इंप्रिजमेंट भी मिला है और फाइन भी मिला है, तब हम लोग उसका जो मैक्सिमम पनिशमेंट, ऐसा कोई अपराध है जहां पे सिर्फ फाइन का ही प्रोविजन है कि फाइन ही लगेगा और उसमें वो डिफॉल्ट कर जा रहा है, उसका पैसा नहीं दे रहा है, तब क्या होगा, ये क्वेश्चन हो सकता है मन में कि इफ ओनली फाइन एज अ पनिशमेंट है, ठीक है, इन केस हम लोग क्या देखना होगा, सेक्शन 8 सब क्लॉज 5 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। अब भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 8 सब क्लॉज 5 क्या कहता है, ये देखो यहां पे हम लोग को ये करना है कि भाई देखो जहां पे सिर्फ फाइन ही प्रिस्क्राइब किया गया है, पनिशेबल विद फाइन है, तो 2 मंथ का सजा जब फाइन जो है 5,000 से अधिक का हो, अगर 5,000 से अधिक का फाइन हो तो उसके लिए 2 मंथ का सजा एडिशनल उसको सहना होगा। उसके बाद बोल रहा है 10,000 रुपया से अधिक का फाइन हो और वो नहीं देता है तो उसको 4 महीने का सजा होगा, ठीक है, और अदर 1 ईयर इन अदर केसेस में होगा, ठीक है। तो ये सेक्शन 8 सब क्लॉज 5 में दिया हुआ है, अगर सिर्फ फाइन का पनिशमेंट उसको दिया गया था। अब क्या है कि एक छोटा सा कंसेप्ट सीख लो, ये आगे काम आएगा, ठीक है, आगे ये काम आएगा कि सेक्शन 364 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, सेक्शन 364 ऑफ भारतीय न्याय संहिता क्या कहता है, प्रोसीजर व्हेन मैजिस्ट्रेट कैन नॉट पास सेंटेंस सफिशियंटली सिवर, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हम मैजिस्ट्रेट हैं, मेरे सामने कोई अपराध आया, ठीक है, और हम चाहते हैं कि भाई ये तो बहुत बड़ा क्रिमिनल है, रेगुलर ऑफेंडर है, एब्सकॉन्डर है, इसको इतना सजा नहीं, इससे ज़्यादा सजा मिलना चाहिए, और हमको पावर है 3 ही साल तक का सजा देने के लिए क्योंकि हम जेएम फर्स्ट क्लास हैं, तब हम क्या करेंगे, तब भाई जो हमारा जो सब्सटेंस है, यानी समिट जो भी है, जो भी हम लोग रिकॉर्ड किए हैं ओपिनियन और जो भी प्रोसीडिंग है उसको फॉरवर्ड करेंगे, एक्यूज्ड को फॉरवर्ड करेंगे सीजीएम साहब को, क्योंकि हम उनके सबॉर्डिनेट हैं, ठीक है। अगर हम जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है तो मेरे ऊपर कौन है, सीजीएम साहब है,
ठीक है, तो हम उनको सबमिट कर देंगे। ये साफ साफ यही कह रहा है, एक बार इसको रीड आउट करते हैं तो क्लियर हो जाएगा। व्हेनेवर अ मैजिस्ट्रेट इफ इज ऑफ ओपिनियन दैट द अक्यूज्ड इज गिल्टी फॉर मोर सीवियर पनिशमेंट विच सच मैजिस्ट्रेट इज एम्पावर्ड टू इन्फ्लिक्ट, यानी मैजिस्ट्रेट साहब को ये लगता है कि भाई ये जो एक्यूज्ड है इसको ज्यादा सजा मिलना चाहिए और मेरे पास पावर तो कम है, तो वो जो है ही मे रिकॉर्ड द ओपिनियन एंड सबमिट हिज प्रोसीडिंग एंड फॉरवर्ड द एक्यूज्ड टू CJM चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट टू हुम बी इज सबोर्डिनेट, जिसके वो सबोर्डिनेट है यानी CJM फर्स्ट क्लास है, तो वो भाई CJM साहब को अपना जो है रिकॉर्ड है वो फॉरवर्ड कर देंगे एक्यूज के साथ। ये था इलस्ट्रेशन से समझो, इलस्ट्रेशन से इसको क्लियर करते हैं। ठीक है, ए कॉज ग्रीवियस हर्ट टू बी, ए जो है वो ग्रीवियस हर्ट करता है बी के साथ। द ऑफेंस इज ट्रायल बाय एनी मैजिस्ट्रेट, ऑफेंस जो है किसी भी मैजिस्ट्रेट के द्वारा ट्रायल होता है, मैक्सिमम पनिशमेंट जो है इसका 7 साल तक का पनिशमेंट है, इंप्रिजमेंट है। ठीक है, अब क्या है कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है इसको ट्रायल कर रहे थे, और उसके बाद उनको लगा कि भाई उनका पावर था 3 साल का, लेकिन इनको लगा भाई इसको तो कम से कम 5 या 6 साल तक का सजा मिलना चाहिए, बहुत बेरहमी से मारा है इसको। ठीक है, तो वो अपना जो भी प्रोसीडिंग है और एक्यूज्ड को CJM साहब को सौंप देंगे अंडर सेक्शन 364 ऑफ BNSS। ठीक है, ये सीवर पनिशमेंट के बारे में बात करता है कि अगर किसी को सीवर पनिशमेंट देना है तो मैजिस्ट्रेट साहब भाई सौंप सकते हैं। अब आते हैं, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया तुम्हारा, एक नया कंसेप्ट था इसको क्लियर कर लो, रीड विथ, वहाँ बेयर एक्ट के बगल में लिख लो 364 रीड विथ। अब आते हैं सेक्शन 25 क्या कहता है कि सेंटेंस इन केस ऑफ कन्विक्शन ऑफ सेवरल ऑफेंस एट वन ट्रायल, फॉर एग्जांपल कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है वो चोरी करने गया, चोरी करने के लिए ट्रेसपास होता है पहले, ठीक है, उसके बाद चोरी किया, चोरी करके लौट रहा था तो एक आदमी बूढ़ा गार्ड उसको रोकने का है, उसको गोली मार दिया। ठीक है, उसके बाद भाग रहा था तो एक कार वाला को पूरा उसके जो उसको डिस्पोजेशन कर दिया, उसका कार छीन लेता है, उसको कार लेके भाग जाता है। तो ये क्या हुआ कि बहुत सारे अपराध कर रहे हैं एक ही सीरीज में, बहुत सारे अपराध कर रहे हैं और एक ही ट्रायल में बहुत सारे ऑफेंसेस का ट्रायल चल रहा है, मतलब सेवरल ऑफेंसेस का ट्रायल एक ही साथ चल रहा है, तब क्या होगा? तो देखो, बेयर एक्ट पढ़ोगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 9 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 9 का सब्जेक्ट टू द प्रोविजन है। और पहले अगर CRPC वाले में देख रहे होगा तो उसमें लिखा होगा सेक्शन 71 ऑफ इंडियन पिनल कोड, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 71 ऑफ इंडियन पिनल कोड। ठीक है, तो अभी हम नए एक्ट से चल रहे हैं तो भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 9 में दिया गया है। सेक्शन 9 को देखो भाई, मैं क्लियर कर रहा हूँ, यहाँ पे लोग छोड़ देते हैं लेकिन मैं इसको क्लियर कर रहा हूं, क्योंकि ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आगे का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा इस सेक्शन का। सेक्शन 9 ऑफ भारतीय न्याय संहिता यानी पुराने वाले IPC का सेक्शन 9 जो है वो क्या कहता है, भारतीय न्याय संहिता का, लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ द ऑफेंस मेड अप बाय सेवरल ऑफेंसेस। ठीक है, ये क्या कह रहा है, इलस्ट्रेशन से सीधे सीधे समझते जाओ क्लियर होते जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति है, ठीक है, और व्यक्ति है वो क्या कर रहा था, किसी को छड़ी से एक छड़ी मार दिया, तो ये क्या हुआ, हर्ट हुआ, और क्या हुआ कि लगातार उसको 10-20 छड़ी मारा, 100 छड़ी मारा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसका दोस्त उसको बचाने के लिए आया, उसके दोस्त को भी मारा। ठीक है, और फिर क्या हुआ कि मारते मारते इतना मारा ये कि उसका दांत टूट गया, तो ये क्या हुआ, ग्रीवियस हर्ट हो गया। यहाँ पे 3 सीरीज हम तुमको बताएं कि एक तो पहले उसको मार रहा था, उसके बाद उसका दोस्त आया उसको भी मारा, अब पहले वाले को मार रहा था, मारते मारते उसका दांत भी तोड़ दिया, यानी ग्रीवियस हर्ट हो गया। तब यहाँ क्या सिनेरियो बन रहा है, तो बोल रहा है कि भाई एक स्ट्रोक मारो चाहे 100 स्ट्रोक मारो, ठीक है, उसको हर्ट का ही सजा होगा, एक ही सजा होगा। ऐसा नहीं कि अगर एक स्ट्रोक मारने का हर्ट का सजा 1 साल है तो 100 स्ट्रोक मारा है तो भाई 100 साल के लिए उसको सजा दे दें, नहीं, हर्ट का सजा एक ही होगा, यानी एक स्ट्रोक मारो चाहे 100 स्ट्रोक मारा हो, हर्ट का एक ही सजा होगा। अगर उसके दोस्त को मारा है तो भाई उसको जो है अलग से, इंडिविजुअल का अलग से होगा, यानी इसका अलग से केस चलेगा और उसके ऊपर से अलग से केस चलेगा, क्योंकि यहाँ 2 अदर इंडिविजुअल का बात हो रहा है।
और तीसरा था कि ग्रीवियस हर्ट हो गया है, उसका दांत टूट गया है, तो भाई उसके लिए भी अलग से सजा होगा। अब देख यहां पढ़ते हैं, यही तुम्हारा इलस्ट्रेशन, सेम इलस्ट्रेशन दिया हुआ है भारतीय न्याय संहिता का, यही कंसेप्ट है। अब हम लोग बस रीड आउट कर देते हैं। वेयर एनी थिंग विच इज एन ऑफेंस इज मेड अप ऑफ पार्ट एंड एनी विच पार्ट इज इटसेल्फ एन ऑफेंस, द ऑफेंडर शैल नॉट बी पनिश्ड विद द पनिशमेंट ऑफ मोर देन वन ऑफ हिज ऑफेंस अनलेस इट इज सो एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड। अनलेस अगर एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड है तभी, अदरवाइज नहीं होगा। इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए गिव्स जे 50 स्ट्रोक्स विथ अ स्टिक। ए जो है जेड को 50 स्ट्रोक से मारता है एक छड़ी से, ठीक है। हेयर ए मे हैव कमिटेड द ऑफेंस ऑफ वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट टू जेड बाय होल बीटिंग एंड ऑल्सो बाय ईच ऑफ द ब्लोस विच मेक अप द होल बीटिंग। इफ ए वेयर लाइबल, अगर ए को हम 50 ब्लो के लिए, एवरी ब्लो के लिए लाइबल ठहराएंगे, तो भाई उसको 50 साल तक का सजा होगा, क्योंकि एक बार मारो तो एक साल का सजा, चाहे 50 बार मारो 50। तो बोला ऐसा नहीं होगा भाई, वो एज अ होल का ही पनिशमेंट हो गया, यानी एक साल का जो भी पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड है वही मिलेगा। दूसरा इसका जो हमारा बीएनएस का सेक्शन 9 का दूसरा सब सेक्शन क्या कहता है, कि ये कहता है कि वेयर एनीथिंग इज एन ऑफेंस फॉलिंग विद इन टू और मोर सेपरेट डेफिनेशन ऑफ एनी लॉ इन फोर्स ऑफ द टाइम बींग बाई विच द ऑफेंस आर डिफाइंड और पनिश्ड, द ऑफेंडर शैल नॉट बी पनिश्ड विथ अ मोर सीवर पनिशमेंट देन द कोर्ट विच ट्राइज हिम अराउट फ्रॉम वन ऑफ सच ऑफेंस। ये था भाई, ये पढ़ते हैं तो दिमाग खराब हो जाता है, इलस्ट्रेशन से समझो, इलस्ट्रेशन से क्लियर हो जाएगा एकदम मजे से। ऐसे वो भी एकदम साफ साफ बात लिखा हुआ है, लेकिन इलस्ट्रेशन से समझ जाओगे तो क्लियर हो जाएगा। इलस्ट्रेशन क्या कह रहा है कि देखो भाई, ए जो है बी को स्टिक से मारता है, ठीक है। ए विल चार्ज वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट, ए को किसके लिए चार्ज किया जाएगा, वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट के लिए, सेक्शन 115 सब क्लॉज 2 के तहत। असॉल्ट एंड क्रिमिनल फोर्स का भी सेम प्रकार का सजा है, अगर फॉर एग्जांपल कि किसी को छड़ी से मार रहे हैं, तो उससे मिलता जुलता एक और प्रोविजन दिया गया है आईपीसी में 131, या फिर तुम देखो ना कि सेक्शन 132 और 195 निकालो कि राइट्स को, दंगा को रोकने के लिए, इस तरह का जो सजा, ये मिलता जुलता सेक्शन है। तो बोलता है कि जब भाई मिलता जुलता सेक्शन होगा, इफ ए विल बी पनिश्ड फॉर द पनिशमेंट ऑफ वन ईयर ऑफ सच ऑफेंस एंड नॉट फॉर द सीवर पनिशमेंट कंबाइंड, ठीक है। यानी कि दोनों को जोड़ करके सजा नहीं दिया जाएगा, इसका एक ही सजा होगा, यानी जो भी बिगर पनिशमेंट होगा इन दोनों में, जो बिगर पनिशमेंट होगा उसका उसको सजा मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 132 में 2 ईयर्स का पनिशमेंट प्रिस्क्राइब किया गया है, और 195 सब क्लोज 1 में 3 ईयर्स का पनिशमेंट प्रिस्क्राइब किया गया, तो 3 ईयर्स वाला जो बिगर पनिशमेंट है वो उसको दे दिया जाएगा, अगर अपराध जो है एक ही अपराध दो सेक्शन में फॉल करते हो, ठीक है, दोनों मिलता जुलता हो, तो उसमें जो बिगर पनिशमेंट वाला अपराध है उसको उसको दे दिया जाएगा, सौंप दिया जाएगा कि भाई सहो। अब क्या है एक और उसका सेक्शन 9 का, अभी देखो हम लोग सेक्शन 9 और भारतीय न्याय संहिता का पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग सेक्शन 25 को स्टार्ट नहीं किए हैं। इसके बाद क्या बोलता है, इलस्ट्रेशन से समझ जाओ भाई, कि अगर कोई व्यक्ति रॉबरी कमिट करता है हाउस में, और रॉबरी कमिट करते हुए हर्ट भी कर देता है, हेयर द फॉलोइंग विल बी चार्ज, तो हर्ट का जो पनिशमेंट है वो 1 साल का है और रॉबरी का 10 साल है, ठीक है। और देखो दोनों को मिला अगर देते हैं तो वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट इन कमिटिंग रॉबरी सेक्शन 309 सब क्लॉज 6 में दिया गया है, तो भाई उसको मैक्सिमम जो पनिशमेंट होगा वो 10 साल का ही होगा। ऐसा नहीं है कि इसका 10 साल और इसका 1 साल मिला के अलग अलग हम लोग जोड़ के 11 साल का उसको सजा देंगे, ऐसा नहीं है। मैक्सिमम जो पनिशमेंट है, इंप्रीजमेंट है 10 साल का, उसको 10 साल का सजा मिल जाएगा। एक बार रीड आउट कर देते हैं इसको, क्लियर हो जाएगा। व्हेन सेवरल एक्ट अलग अलग तरह के एक्ट ऑफ वन और मोर देन वन वुड बाय इटसेल्फ और देमसेल्फ कॉन्स्टिट्यूट और एन ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट, ठीक है, व्हेन कंबाइंड अ डिफरेंट ऑफेंस, अलग अलग अपराध को जब एक साथ कंबाइन किया गया तो एक नए डिफरेंट ऑफेंस का क्या कहें जन आया हमारे नजर में, नया ऑफेंस क्रिएट हो गया। द ऑफेंडर शैल नॉट बी पनिश्ड विथ अ मोर सीवर पनिशमेंट दैट द कोर्ट विच ट्राइज द अवार्ड फॉर सच एनी
वन ऑफ सच ऑफेंस, यानी क्या हुआ कि यहाँ पे हर्ट और रॉबरी दोनों किया, रॉबरी करते हुए हर्ट किया, तो ऐसा नहीं है कि भाई इसमें जो मैक्सिमम पनिशमेंट है से हायर पनिशमेंट है उसको इसको दे दिया गया, ठीक है। और नया अपराध का गठन हुआ, क्या हुआ, वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट इन कमिटिंग रॉबरी, ठीक है, रॉबरी कमिट करते समय हम लोग वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट किए हैं, तो इसका जो मैक्सिमम पनिशमेंट होगा वो उसको मिल जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन 25 की, यहां से हमारा सेक्शन 25 स्टार्ट होता है। ये इंट्रोडक्शन था, क्यों इंट्रोडक्शन था इसका, क्योंकि साफ साफ सेक्शन 25 में लिख दिया है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 9 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। तो भाई भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 9 को पढ़ना जरूरी था, उसमें क्या दिया गया है, सेवरल ऑफेंसेस अगर कमिट होते हैं तो उसका पनिशमेंट कैसे होगा, तो वो हम लोग सीख लिए। अब आते हैं सेक्शन 25 ऑफ बीएनएसएस का। सेक्शन 25 ऑफ बीएनएसएस क्या कहता है कि अगर किसी एक व्यक्ति का, एक ऑफेंडर का सेवरल केसेस में ट्रायल चल रहा है, ऑफेंसेस में वन ट्रायल चल रहा है, अलग अलग अपराध का एक साथ ट्रायल चल रहा है, तो उसमें क्या होगा। देखो जनरल रूल ये कहता है कंसेक्यूटिवली होगा, यानी एक अपराध के बाद दूसरा अपराध का उसको सजा मिलेगा, ठीक है। और इसका एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या है, बोलता है कि कंकरेंटली चलेगा, यानी बोथ साइमल्टेनियसली चलेगा। अब देखो कंसेक्यूटिवली और कंकरेंटली का मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति जो है ए नाम का व्यक्ति है वो चोरी करता है, चोरी करने के बाद मर्डर करता है, मर्डर करने के बाद रेप कर देता है, रेप करने के बाद फिर गाड़ी वाड़ी चुरा के भाग जाता है, तो ये क्या हुआ, अपराध किया भाई, सेवरल ऑफेंस किया, इसका ट्रायल एक साथ चल रहा है, फॉर एग्जांपल किसी का पनिशमेंट 3 साल है, किसी का पनिशमेंट 10 साल है, किसी का पनिशमेंट 1 साल है, तो किसी का पनिशमेंट 2 साल है, तो कंसेक्यूटिवली जनरल रूल यही कहता है कि भाई एक अपराध का जब पनिशमेंट खत्म हो जाएगा, 3 साल का वो सजा काट लेगा तो दूसरा स्टार्ट हो जाएगा उसका, फिर दूसरा का काट लेगा तो फिर तीसरा स्टार्ट हो जाएगा उसका सजा, और फिर तीसरा काट लेगा तो चौथा का स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन कंसिक्वेंटिवली क्या बोलता है कि भाई जो भी सारे अपराध है सारे के अपराध का एक साथ चलेंगे, जो मैक्सिमम होगा उतना दिन तक उसको जेल में रहना होगा। अब क्या होता है यहां पे, एक देखो अंटिल एंड अनलेस मैजिस्ट्रेट एक्सप्रेसली, अब देखो ये जो है हमारा भारतीय न्याय संहिता में सेल शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन सीआरपीसी के बेयर एक्ट में सेल नहीं था, द कोर्ट सेल ऐसे करके लिखा हुआ है, तुम लोग देख लेना एक बार, ठीक है। उसमें क्या कहता है कि भाई जो भी सजा सुना रहे हैं मैजिस्ट्रेट साहब, वो उनको लिखना पड़ेगा कि सजा कंसिक्वेंटिवली चलेगा या कंकरेंटली चलेगा, कि भाई वन आफ्टर वन वाला चलेगा या एक साथ सब चलेगा साइमल्टेनियसली, ये उनको एक्सप्रेसली लिखना होगा, द कोर्ट शैल मेंशन कि द ऑफेंस क्या कंकरेंटली चलेगा या कंसेक्यूटिवली चलेगा। अब देखो कंसेक्यूटिवली यहां पे एक प्रोविजन है, ठीक है, अगर मान के चलो कंसेक्यूटिवली का हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, ये एक्सेप्शन क्यों है, ये जनरल रूल और ये एक्सेप्शन क्यों है, ठीक है। ये कहता है अगर कोई व्यक्ति है, फॉर एग्जाम्पल हम ही है, ठीक है, हमको ना लाइफ इम्प्रिजमेंट का सजा मिला, मृत्यु दंड का एक ऑफेंस में, दूसरे ऑफेंस में भी लाइफ इम्प्रिजमेंट का सजा मिला, और तीसरे ऑफेंस में भी लाइफ इम्प्रिजमेंट का सजा मिला, यानी 3 लाइफ इम्प्रिजमेंट का सजा हुआ, तो मेरे साथ क्या होगा कि हमको एक जन्म मरने के बाद, और लाइफ इम्प्रिजमेंट का मतलब क्या होता है समझते हैं, इम्प्रिजमेंट टिल हिज डेथ, मतलब आजीवन कारावास, जब तक जीवन मेरा बचा हुआ है, तो यानी मरने के बाद फिर हमको हॉस्पिटल से उठा के लेके आएगा और फिर बोलेगा चलो फिर सजा काटो अपना जीवन का, फिर तो ये क्या ज्योतिष उतिष से पूछना पड़ेगा कि भाई ये मरने के बाद कहाँ किस घर में पैदा लेगा, उसको फिर से लाना है क्योंकि इसको 3 लाइफ इम्प्रिजमेंट का सजा मिला है, ऐसा नहीं हो सकता। रीड विथ सेक्शन 467 सब क्लॉज 2, ठीक है, निकालो भाई क्या लिखा हुआ है 467 सब क्लॉज 2 में, बेरक तो खोल के रखे ही होंगे 467 सब क्लॉज, हाँ चलो 467 सब क्लॉज 2 क्या निकालिए, क्या बोल रहा है, When a person already undergoing a sentence of imprisonment for a life, his sentence or a conviction imprisonment, ठीक है, imprisonment subsequent run concurrently, ठीक है, यानी एक ही साथ तीनों जन्म का सजा काट लेना होगा,
ठीक है, कंकरेंटली चलेगा, ऐसा नहीं कि एक बार मर गया तो फिर दोबारा खोज के पैदा होते ही हॉस्पिटल से लेके आएगा कि इसको फिर सजा काटना है इसका पूरा जिंदगी का। ये 47 सब क्लॉज 467 सब क्लॉज 2 में दिया हुआ है कि भाई ये जो अपराध होगा लाइफ इंप्रिजमेंट का, ये कंकरेंटली चलेगा। अब देखो एग्जाम्पल से समझो, क्लियर होगा ये सेक्शन। क्या बोलता है कि इफ अ पर्सन कमिट सेवरल क्राइम, एक व्यक्ति था अपराधी प्रवृत्ति का, चोर प्रवृत्ति का अपराधी था, वो बहुत सारा क्राइम किया, ठीक है, उसको पनिशमेंट मिलता है 3 साल का, एक में सजा मिला, एक में 2 साल का सजा मिला, एक में 1 साल का सजा मिला और एक में फिर 3 साल का सजा मिला रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अब क्या है, अकॉर्डिंग टू जनरल रूल यानी कंसिक्यूटिवली में क्या कहता है, पहले वो 3 साल का सजा काटेगा, जैसे ही ये 3 साल का सजा खत्म होता है तो फिर ये 2 साल का सजा काटेगा, फिर 2 साल का, जैसे ही इसका सजा खत्म होता है फिर 1 साल का काटेगा और फिर 3 साल का काटेगा, यानी टोटल 9 ईयर्स ऑफ इंप्रिजमेंट वो जेल में बिताने वाला है। यहां तक क्लियर है, ये क्या था, कंसिक्वेंटिवली यानी एक के बाद एक वाला। अब अगर कंकरेंटली है, एक्सप्रेसली मेंशन जज साहब कर दिए हैं, द कोर्ट सेल एक्सप्रेसली मेंशन कि कंकरेंटली चलेगा, तो जज साहब बोले कि भाई देखो 3 साल का था, 2 साल का था, 1 साल का था, 3 साल का था, जो मैक्सिमम 3 साल है 3 साल ये जेज में रहेगा साइमल्टेनियसली, एक के साथ ही में ये सारा अपराध का सजा एक ही साथ भुगतेगा, ऐसा नहीं कि अलग अलग भुगतेगा कंसिक्यूटिवली के तरह, ये कंकरेंटली में एक ही साथ सबका अपराध भुगेगा और जो मैक्सिमम होगा उसको वो भुगतेगा भाई। सेक्शन 25 का सब क्लॉज 2 क्या कहता है, देखो भाई ये जो है ये बहुत टेक्निकल है, बहुत लोग को तो समझ में ही नहीं आता, माथा पकड़ के बैठ जाता है, इसको बढ़िया से देखना बढ़िया से समझना, इसको हम बेयर एक लैंग्वेज को गोली मारो, यहाँ एग्जाम्पल से समझो, एग्जाम्पल से देखो क्या बोल रहा है कि अगर कोई कंसिक्यूटिव सेंटेंस है यानी एक के बाद एक के चलने वाले सेंटेंस है, ठीक है, और उसमें 3 ऑफेंसेस आर ट्राई एट सेम ट्रायल, किसी 3 अपराध का एक साथ ट्रायल किया गया है जिसमें 1 साल का सजा दिया गया, 2 साल का सजा दिया गया, 1 साल का सजा दिया गया, जो कि टोटल 4 ईयर्स का सजा होता है, और ये जो ट्रायल है वो किसके द्वारा किया गया था, मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के द्वारा किया गया था, मैजिस्ट्रेट साहब जो थे वो फर्स्ट क्लास रैंक के, उनके द्वारा ये ट्रायल किया गया था। अब हम लोग जानते हैं सेक्शन 23 में अभी अभी पढ़ के आए हैं कि मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास कितना पावर है, तो भैया पावर ये है 3 साल का सजा और 50,000 रुपये तक का फाइन, लेकिन ये क्या हुआ 4 साल का सजा हो गया, तो मैजिस्ट्रेट साहब तो 4 साल का सजा दे ही नहीं सकते हैं, ये क्या कर रहा है एक्सीडिंग द पावर, ठीक है, एक्सीड कर रहा है पावर ऑफ द मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, तब क्या होगा, अब क्या होगा, तो ये कहता है कि अगर मैजिस्ट्रेट साहब सोच रहे हैं कि इसको हायर कोर्ट भेजने मेरे पास तो पावर ही नहीं है, क्योंकि ड्यू टू एक्सीडिंग हिज पावर और विच इज प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 23 दैट द मैजिस्ट्रेट हैज द पावर टू इम्पोज 3 ईयर्स पनिशमेंट एंड 50,000 फाइन, लेकिन यहाँ पे इसका जो 4 साल का सजा है ये तो बियॉन्ड हिज पावर है, तो मैजिस्ट्रेट ये हाई कोर्ट को सोचेंगे कि अदर जो उसके ये हायर कोर्ट है उसको सौंप दे, तो ऐसा नहीं है भाई, यहाँ मैजिस्ट्रेट जो है अपना पावर से एक्सीड करके उसको सजा दे सकते हैं, बिकॉज इट इज एक्सप्रेसली मेंशनड अंडर सेक्शन 25 सब क्लॉज 2 जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ पे मैजिस्ट्रेट हैज द पावर कि एग्रीगेट सेंटेंस, जो भी एग्रीगेट सेंटेंस है वो गो बियॉन्ड द कंपिटेंसी ऑफ मैजिस्ट्रेट, ठीक है, अलग अलग तरह के जो सजा है, ठीक है, एग्रीगेट सेंटेंस है जो कि एक ही सजा में उसको मिला के जो जोड़ आ रहा है, योग आ रहा है, उसमें मैजिस्ट्रेट हैज द पावर टू गो बियॉन्ड हिज कंपिटेंसी, ठीक है, तो यहाँ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट साहब जो है 4 साल तक का सजा वो दे सकते हैं। समझ में आया ये कंसेप्ट कि मैजिस्ट्रेट साहब फर्स्ट क्लास को 3 ही साल तक का पावर है, यहाँ 4 साल कैसे वो दे रहे हैं, तो यही प्रोवाइजो सब 25 सब क्लॉज 2 में उनको पावर प्रोवाइड किया गया है कि अगर एग्रीगेट सेंटेंस दे रहे हैं तो यहाँ पे बियॉन्ड द पावर ऑफ मैजिस्ट्रेट वो जा सकते हैं। अब देखो प्रोवाइजो यहाँ ने बोलता है कि भाई जा तो बियॉन्ड तो जा सकते हैं, लेकिन कितना जा सकते हैं, कोई लिमिटेशन होगा भाई, ठीक है, कितना जा सकते हैं, हाउ मच एक्सीड द इम्प्रिजमेंट, पहला बोलता है कि नॉट मोर देन 20 ईयर्स, 20 साल से, यानी कुल जो ऐसा फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे 1 साल था, यहाँ 2 साल था, यहाँ 1 साल, तो ऐसे करते करते 20 साल से ज़्यादा का सजा नहीं होना चाहिए, कुल
ऑफेंसेस का योग जो है 20 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सीआरपीसी में भाई 14 साल दिए हुए थे कि 14 साल से अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन बीएनएसएस में 20 साल दिया हुआ है भाई, अंडरलाइन कर लियो, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है कि एग्रीगेट पनिशमेंट जो है वो ट्वाइस द पावर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, शैल नॉट एक्सीड ट्वाइस द पावर। ट्वाइस द पावर मतलब जेएम फर्स्ट क्लास के पास कितना पावर था जानते हैं, 7 साल, तो 7 साल का ट्वाइस कितना होगा, 14 साल। जेएम फर्स्ट का 3 साल और इसका ट्वाइस 6 साल, जेएम सेकंड का 1 साल, इसका ट्वाइस 2 साल, यानी जेएम फर्स्ट जो है 14 साल से अधिक जो है एग्रीगेट पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं। सॉरी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब, जेएम फर्स्ट साहब, जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब 6 साल से अधिक नहीं दे सकते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट सेकंड क्लास है 2 साल से अधिक नहीं दे सकते हैं, ट्वाइस द पावर ऑफ। अब जो है यहाँ समझ में आ गया। अब देखो सेक्शन 25 का सब क्लॉज 3 क्या कहता है। 25 का सब क्लॉज 3 यही कहता है कि अगर अपील होगा, अगर क्या होगा, अपील होगा इन सब ऑफेंसेस का तो क्या हो, कैसे होगा, ठीक है। तो अपील जो होगा ना भाई तो एक साथ होगा, यानी ये 4 साल का जो सजा सुनाया गया है ना, तो इसका अपील 4 साल के विधि होगा। ऐसा नहीं होगा कि बोलेगा भाई ये 1 साल तो ठीक है, लेकिन ये 2 साल का जो पनिशमेंट हमको दिया गया है ना ये ज़्यादा दिया गया, हम सिर्फ इसका अपील करेंगे, तो ऐसा नहीं है। 25 के सब क्लॉज 3 में क्या कहा है कि भाई जब भी अपील होगा तो एक साथ होगा, 4 साल के विरुद्ध ही होगा। ऐसा नहीं कि तुमको लग रहा है कि 2 साल में हमको ज़्यादा सजा मिला हुआ है तो इसको कम कराने के लिए अपील करते हैं, ऐसा नहीं, अपील एक साथ होगा। द एग्रीगेट सेंटेंस पास्ड अगेंस्ट हिम अंडर दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू बी अ सिंगल सेंटेंस। जो भी एग्रीगेट सेंटेंस इसमें इस सेक्शन में पास किए गए हैं उसको क्या माना जाएगा, सिंगल सेंटेंस माना जाएगा। डीमिंग प्रोविजन है, सिंगल सेंटेंस माना जाएगा। अच्छा यहां पे रीड विथ तुम लोग लिख लो बेयर एक्ट में 417 और बीएनएसएस 417 और बीएनएसएस क्या कहता है, नो अपील इन पीटी केसेस, यानी जो छोटे मोटे अपराध हैं, चुटपुटिया अपराध हैं, उसमें अपील नहीं कर सकते हैं। कब, जब हाईकोर्ट अगर किसी को 3 महीने का सजा या 1,000 रुपये का फाइन या बोथ लगाता है तो अपील नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ऑफ सेशन 3 महीने का सजा या 200 रुपये का फाइन लगाता है तो भी आप अपील नहीं कर सकते हैं। मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है 100 रुपया तक का फाइन का सेंटेंस देता है तो अपील नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली अगर ट्रायल कोर्ट है, मैजिस्ट्रेट भाई किसी को 2 साल समरी ट्रायल है और मैजिस्ट्रेट साहब किसी को 200 रुपये का फाइन लगा देते हैं तो इसके विरुद्ध भी अपील नहीं होगा। यहाँ पे बगल में लिख लो 25 सब क्लॉज 3 के बगल में लिख लो 417 नो अपील इन पीटी केसेस, और वहाँ पे जाके एक बार पढ़ लो कि हाईकोर्ट भाई कब कब कर सकता है, में हम लोग नहीं अपील कर सकते हैं, अपील कब नहीं कर सकते कन्विक्शन के विरुद्ध, उसका क्या है, ये सारे पॉइंट्स दिए गए हैं कि कन्विक्शन के विरुद्ध अपील कब नहीं होगा जब ये सारे में फॉल करता है वो। देखो अब क्या था कि जो भी इंपॉर्टेंट पोर्शन था, रेलिवेंट पोर्शन था, वो हमारा खत्म हो गया। अब देखो यहां से थोड़ा सा आराम से भी पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सबसे सवाल जल्दी नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी इसको हम तो भाई पढ़ा दे रहे हैं, बहुत लोग छोड़ देते हैं लेकिन इसको कर लेते हैं, ठीक है, खत्म करते हैं चैप्टर को। सेक्शन 26 बोलता है मोड्स ऑफ कंफर्मिंग पावर। हम लोग इस चैप्टर में क्या बात कर रहे थे, पावर ऑफ द कोर्ट के बारे में कि कोर्ट का पावर कितना होगा, लेकिन ये पावर देगा उनको कौन, देगा कौन, तो बोलता है कि अगर कोई व्यक्ति स्पेशली है या ऑफिसर है या क्लासेस ऑफ ऑफिसर्स हैं, ठीक है, उसको पावर कौन देगा, हाईकोर्ट देगा या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा पावर दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल बोलेगा कि हाँ भाई पटना जो सिविल कोर्ट के, पटना सिविल कोर्ट के जो ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हैं राम शरण, उसको क्या है कि उसको एक स्पेशल पावर दिया जाता है कि वो एक्साइज का मैटर आज से सुनेंगे, तो ये पावर हाईकोर्ट दे सकता है स्पेशली, यानी पर्सनल पर्सन स्पेशली, या पूरे ऑफिस को कि भाई जो ऐसा है कि पूरे पटना के सिविल कोर्ट को यही पावर दिया जाता है कि जो भी एक्साइज के दारू वाला मैटर है बिहार का वो सिर्फ सिविल कोर्ट पटना सुनेगा, तो ये पावर भी दे सकता है। या क्लासेस ऑफिसर बोलता है कि भाई पूरे बिहार में जो भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है उसी के पास ये पावर है कि पूरे बिहार का एक्साइज मैटर वही लोग सुन सकते हैं, तो ये क्लासेस ऑफ ऑफिसर्स ऑफिशियल्स यानी ग्रुप को पावर दे सकता है। तो ये पावर कौन देगा, हाईकोर्ट दे सकता है या स्टेट गवर्नमेंट दे सकता है, या तो पर्सनल स्पेशली के लिए दे सकता है, ऑफिस के लिए दे सकता है, या क्लासेस ऑफ ऑफिशियल या ग्रुप, जो ग्रुप को दे सकता है।
इसका सेक्शन 26 का सब क्लॉज 2 क्या कहता है कि भाई जो पावर जो कंफर्म किया गया है ये कब से इफेक्ट में आएगा, तो बोलता है कि जब उस व्यक्ति पर्सन से कम्युनिकेट हो जाएगा कि उसको मिला हुआ है, तब से वो हो जाएगा, उसका पावर को इफेक्ट में आ जाएगा। यही है, इसमें कुछ है नहीं भाई। सेक्शन 27 क्या बोलता है, पावर ऑफ ऑफिसर अपॉइंटेड, यानी ऑफिसर अपॉइंटेड का पावर क्या है। ठीक है, ये देखो ये क्या कहता है, सिंपल सा इसको समझो बहुत इजी वे में, कि एनी पर्सन होल्डिंग एनी सर्विसेज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, कोई व्यक्ति जो है कोई ऑफिस होल्ड कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट का, सर्विस को होल्ड कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट का, जो कि उसको हाई कोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कन्फर्म किया गया। ठीक है, अब क्या है, वो वहाँ से छोड़ करके या उसका ट्रांसफर होके किसी इक्वल पोस्ट या हायर पोस्ट में वो जाता है सेम नेचर का, ठीक है, तो वो सेम परफॉर्म फंक्शन परफॉर्म करेगा जो यहाँ पे कर रहा था, यहाँ पे जो काम कर रहा था वो सेम पर्सन फंक्शन यहाँ परफॉर्म करेगा, अनटिल एंड अनलेस अगर हाई कोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट उसको डायरेक्ट करता है कि भाई तुम ये काम नहीं, अब ये काम करो। ठीक है, और नहीं तो वो सेम फंक्शन परफॉर्म करेगा जो कि, लेकिन ये कब होगा, जब सेम स्टेट में ही वो व्यक्ति रहे, ऐसा नहीं है कि बिहार में काम कर रहा था अब झारखंड में चला गया है तो वो सेम, ऐसा नहीं है। अगर कोई बिहार में ही है, अगर कोई सर्विस परफॉर्म कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट का और कहीं अदर जगह जा पे के काम करता है इक्वल पोस्ट पे या हायर पोस्ट पे, तो सेम परफॉर्म फंक्शन परफॉर्म करेगा अंटिल एंड अनलेस उसको स्टेट गवर्नमेंट या हाईकोर्ट डायरेक्ट नहीं करता है। एक बार बेयर एक्ट है, तुम लोग रीड आउट कर लेना भाई, हम तुम पे छोड़ रहे हैं, देख लेना, नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में डाल दियो, हम और अच्छे से के इसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर देंगे। अब देखो सेक्शन 28, सेक्शन 28 क्या कहता है कि भाई हाईकोर्ट पावर दे सकता था, कंफर्मिंग पावर किसके पास था, हाईकोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो जब किसी को हम पावर दे सकते हैं तो पावर छीनने का भी तो अधिकार है मेरे पास। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट और हाईकोर्ट में विड्रॉ ऑल और एनी ऑफ द पावर, यानी तो पूरा का पूरा वह पावर किसी से ले सकता है या कोई एक पावर उससे ले सकता है। ठीक है, ऑल और एनी पावर कौन ले सकता है, विड्रॉ कर सकता है, हाईकोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि पावर देने का भी पावर इसी के पास था। सीजीएम साहब या डीएम साहब जो है वो भी अपना पावर जो है वो विड्रॉ कर सकते हैं भाई, जिसको वो दिए होंगे। सीजीएम साहब किसको देंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हम लोग देखे थे भाई, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। डीएम साहब किसको देंगे, अपने सबॉर्डिनेट को देंगे, तो वो भाई वो भी विड्रॉ कर सकते हैं अपने पावर को, विड्रॉल ऑफ पावर में हम लोग यही देखे। चलो लास्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन 29 आज का, ये चैप्टर 3 का लास्ट सेक्शन है हमारा। ये कहता है पावर ऑफ जजेस एंड मजिस्ट्रेट एक्सराइजेबल बाय देयर सक्सेसर इन ऑफिस। ठीक है, सक्सेसर इन ऑफिस के बारे में बात करता है। इसके लिए एक सिनेरियो को समझो, क्लियर हो जाएगा आराम से। क्या होता है कि मजिस्ट्रेट साहब एक वारंट पे सिग्नेचर करने वाले थे, ठीक है, वारंट पे सिग्नेचर करने वाले थे, लेकिन करने से पहले ही उनका ट्रांसफर हो गया। पहला सिनेरियो यही है कि वारंट पे सिग्नेचर करने वाले थे और सिग्नेचर करने से पहले उनका ट्रांसफर हो गया। दूसरा सिनेरियो ये है कि मजिस्ट्रेट साहब कॉग्निजेंस तो ले लिए थे, लेकिन एविडेंस और कुछ भी बाकी रह गया था जो हमारा प्रोसेस, उसको करवाने से पहले ही उनका ट्रांसफर हो गया। तीसरा सिनेरियो ये है कि मजिस्ट्रेट साहब कोई घटना घटित होता है मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष, और वो क्या है, उसका कंप्लेंट करने ही जा रहे थे कि उनका ट्रांसफर हो जाता है। तो अब क्या इनके ट्रांसफर होने के बाद जो कार्रवाई थी वो वही ख़त्म हो के फिर फ्रेश स्टार्ट होगी या फिर उसी को कंटिन्यू किया जाएगा, तुम लोग का दिमाग क्या कहता है भाई? मेरा तो दिमाग यही कहता है कि भाई जो है अगर फिर से फ्रेश स्टार्ट होगा तो टाइम तो ज़्यादा लगेगा, टाइम तो है नहीं हम लोग के पास, तब क्या होगा, तब देखो यही होगा कि जो भी जजेस पावर एंड ड्यूटीज ऑफ जज एंड मजिस्ट्रेट में एक्सरसाइज और परफॉर्म बाय हिज सक्सेसर, जो भी यहाँ पे पावर ऑफ द जजेस था, ड्यूटीज था, वो उसके सक्सेसर के द्वारा, यानी उसके बाद जो आ रहे हैं, ट्रांसफर हो गया भाई जज साहब का, तो उसके बाद तो उसके ऑफिस में कोई आएंगे ही, तो वही बोल रहा है कि अगर जो नए आएंगे सक्सेसर, जब वो आएंगे तो इसका पावर वो परफॉर्म करेंगे। ठीक है, जो नए सक्सेसर इन द ऑफिस होंगे, अगर देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर किसी भी प्रकार का डाउट होगा कि कौन होंगे सक्सेसर इन द ऑफिस, तो भाई सेशन जज जो है राइटिंग में ऑर्डर डिटरमाइन करेगा कि भाई इस जज के बदले जो अब नए आए हैं ये होंगे इसके सक्सेसर। ठीक है,
तीसरा प्रोविजो यही कह रहा है कि अगर कोई डाउट होता है सक्सेसर का मैजिस्ट्रेट के प्रति लेके कि कौन मैजिस्ट्रेट अब सक्सेसर होगा इसका, तो सीजीएम साहब के पास ये पावर है कि वो लिखित में, या डीएम साहब के पास पावर है कि सेल अपना जो सबॉर्डिनेट होगा उनका सक्सेसर उसका डीएम साहब करेंगे, सीजीएम साहब अपने क्षेत्र में, डीएम साहब अपने क्षेत्र में, सेल डिटरमाइन बाय ऑर्डर इन राइटिंग हु सेल डीम टू बी सक्सेसर इन द ऑफिस ऑफ सच मैजिस्ट्रेट, और उनके डीएम साहब अपना लिखेंगे भाई जो भी होगा कि वो कौन मैजिस्ट्रेट होगा। तो ये सक्सेसर से रिलेटेड था कि सेनेरियो समझ में आया, सेनेरियो समझ में आया होगा तो ये तो बहुत बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। तो आज हमारा चैप्टर जो ये थ्री जो था पावर ऑफ कोर्ट ये ख़त्म होता है भाई। राइट, कि हमको होप है कि तुम लोग को समझ में आएगा, बहुत अच्छे से हम रिलेशन बता के इसको कंप्लीट किए हैं। अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो तो आई होप तुम लोग को पसंद ही आएगा, तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर करना। इससे क्या होता है कि चैनल जो है रीच करता है, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं चैप्टर 4 में। टेक केयर, बाय बाय।